वजीरेक्स के फंड सभी के रुके हुए हैं, सबको अभी जो आयनर अमाउंट है वो भी पूरा नहीं मिला है। तो अभी फिलहाल जो वजीरेक्स कर रहा है वो सिर्फ इतना ही कर रहा है कि एक्सप्लेन कर रहा है कि अभी तक क्यों रुका हुआ है, वजीरेक्स क्यों नहीं चल रहा है। तो इसको लेकर कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि वजीरेक्स अकाउंट आपके कब चलने शुरू हो जाएंगे, कब आप अपना INR या फिर क्रिप्टो निकाल पाओगे। तो ये वीडियो पूरा देखते रहना, वॉफ ट्रेड पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी भी अगर आप वजीरेक्स ऐप खोलते हो या फिर वजीरेक्स की वेबसाइट खोलोगे तो आपको दो चीज़ें सामने दिखने वाली हैं। एक तो ये कि अटेंड मोरेटोरियम एप्लीकेशन हियरिंग, यानी कि इनकी जो एप्लीकेशन की हियरिंग चल रही है और वीए चल रही है सिंगापुर में, जो कि सभी की निराशा यही है कि ये सिंगापुर में ही क्यों हो रहा है, इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजीरेक्स इंडिया से ऑलरेडी जा चुका है, क्या ये अपने इंडिया के यूज़र्स की केयर करने वाला है, नहीं ये अभी हम बात करेंगे। इसी के साथ दूसरा नोटिफिकेशन आपको जो हमेशा बहुत लंबे समय से दिखता आ रहा है वो यही है कि 18 तारीख यानी कि जुलाई 18 से जो वजीरेक्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर साइबर अटैक होने की वजह से सब कुछ पॉज कर दिया गया, जिसमें ट्रेडिंग तो किया ही गया था, और इसी के साथ साथ INR का अमाउंट भी हमारा सीज किया गया, और हमारे INR अमाउंट को यूज़ किया जा रहा है सिंगापुर में हियरिंग्स के लिए या फिर सिंगापुर में जो कोर्ट की फीस है उसको पे करने के लिए। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं, हमारा अमाउंट भी यूज़ किया जा रहा है और इसी को यूज़ करके रिस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी, तो हमें क्या वापस मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला इसकी भी अभी श्योरिटी नहीं है। और दूसरा ये कि हमारा जो INR है वो भी हो सकता है कि INR हमें INR वापस ना मिले, बल्कि उसके बदले में शायद हमें वजीरेक्स या WRX देने वाले हैं या फिर एक नया कॉइन बना के दे देंगे, और उसमें ये भी हो सकता है कि वो कॉइन आएगा और वो साथ के साथ सेल हो जाएगा, यानी कि हमारा जितना INR में अमाउंट था वो उतना हमें नहीं मिलने वाला। तो इसको डिटेल में अभी समझने की कोशिश करते हैं। जो मोस्ट रिसेंट एक वीडियो आया था वो ये है कि सिंगापुर में हियरिंग क्यों चल रही है। अब इसका आंसर इन्होंने खुद दिया है कि यहाँ पे एक्चुअल में दो कंपनीज हैं, ज़ेनमे और ज़ेटाई। तो ज़ेनमे जो होगी वो तो होगी इंडिया की कंपनी, और इसी की ज़ेटाई के नाम से कंपनी है जो कि सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, यानी कि वजीरेक्स रन किया जा रहा है इन दोनों कंपनीज के द्वारा। और इसी के साथ साथ अगर हम तीसरी कंपनी को जोड़ दें जो कि बाइनेंस है, तो उसका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट तो है ही, जो कि बाइनेंस बहुत लंबे समय से अवॉइड करता आ रहा है, इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहता, डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहता, कि रियलिटी ये है कि जो वजीरेक्स के WRX थे वो भी बाइनेंस के पास है और इसके ऊपर कंट्रोल भी बाइनेंस के पास ही था। लेकिन इसके ऊपर बाइनेंस ने कोई भी कुछ अच्छा ना तो रियलिटी में बताने की कोशिश करी है ना कोई अपडेट दिया, सिर्फ इतना बोल दिया कि बाइनेंस के पास वजीरेक्स नहीं है और वजीरेक्स की होल्डिंग भी वजीरेक्स के पास ही है, बाइनेंस के पास नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है वो बार बार वजीरेक्स बहुत बार बता चुका है। अब बाइनेंस को अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे दो कंपनीज बचती हैं, ज़ेटाई और ज़ेनमे। ज़ेनमे है इंडिया में रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे इनका कहना ये है कि जो इंडिया में ज़ेनमे लैब्स हैं इनका काम सिर्फ इतना है कि क्रिप्टो को INR में कन्वर्ट करना और INR को क्रिप्टो में कन्वर्ट करना, सिर्फ इतना ही काम है, यानी कि इतना ही काम करने के लिए ज़ेनमे लैब्स है जो कि फैसिलिटेट करता है इंडिया में वजीरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग। लेकिन जो ज़ेटाई है, ज़ेटाई सारे ऑपरेशन या फिर बाकी की जितनी भी ऑपरेशन हैं वो इंडिया में नहीं बल्कि सिंगापुर में हैंडल करते हैं। अब सिंगापुर में हैंडल करने का रीज़न यही है कि सिंगापुर में बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को, और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इतना फ्रीडम भी नहीं है, कोई भी कंपनी खुलकर काम नहीं कर पाती है, और शायद अगर ऐसा हैक हुआ होता तो शायद इंडिया में इसके ऊपर सुनवाई भी ना होती। यानी कि इंडिया में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका काम सिर्फ इतना है कि हमसे टैक्स कलेक्ट करना, GST कलेक्ट करना एक्सचेंजेस से, ताकि अगर कोई प्रॉफिट बनता है किसी कंपनी का या फिर क्रिप्टो यूजर्स का, ट्रेडर्स का, तो वो हिस्सा एक गवर्नमेंट के पास जाए जाए। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें कोई भी कमी आ जाती है, कोई भी खराबी आ जाती है, हैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट कभी भी या कोई भी काम नहीं करने वाला। इसके ऊपर कोई भी लॉ भी नहीं बनाया गया, यानी कि जितना भी काम अभी तक किया जा रहा था वो सारी एक्सचेंजेस का मिलकर एक ग्रुप बना हुआ है वही इस चीज को हैंडल कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहां पे एक अच्छा लॉ अभी तक नहीं आया है। सारे के सारे नेगेटिव लॉज हैं, यानी कि अगेंस्ट क्रिप्टोकरेंसीज, अगेंस्ट ब्लॉकचेन हैं, जिसकी वजह से ज़ेटाई जो है वो सिंगापुर में चल रहा है और सिंगापुर में ही हियरिंग हो रही है, क्योंकि मेन जो वजीरेक्स का काम चल रहा है वो सिंगापुर में चल रहा है, और सिंगापुर में अभी जो हियरिंग्स चल रही हैं जिसको इन्होंने बताया कि मोरेटोरियम की एप्लीकेशन हियरिंग यहाँ पे चल रही हैं, तो इसका भी अब बता देता हूँ। तो ज़ेटाई की जो कंपनी की वहाँ की हियरिंग चल रही है वो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से चल रही है, क्योंकि अभी वजीरेक्स रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। मोरेटोरियम का मतलब ये होता है कि इनको टाइम मिल जाता है, कुछ समय मिल जाता है, जिसमें क्या है कि जिसके दौरान कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी कंपनी इनके ऊपर केस नहीं कर सकती या फिर इनके ऊपर FIR या फिर कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता, जिससे क्या कि इनके ऑपरेशंस बंद हो जाएं। और ये टाइम सिर्फ तब तक मिलता है तब जब तक ये रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर लेते, और ज़्यादातर ये एक महीना मिलता है ये, या फिर अगर ये खुद रिक्वेस्ट करते तो 6 महीने तक मिलता है। तो 6 में से कितने महीने मिलते हैं इनको ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस समय के दौरान इनको रिस्ट्रक्चरिंग करनी ज़रूरी है, यानी कि सिर्फ वही एक ऐसा समय जिसके अंदर ये अपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं।
यानी कि वजीरेक्स के खुद के पास भी समय बहुत कम है, जिसके दौरान इनको रिस्ट्रक्चरिंग करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद हमारे जो फंड्स रुके हैं उसको देखते हुए यहाँ पे हमें फंड्स भी इनको वापस जल्दी करने पड़ेंगे, ताकि हम उनको ट्रेड कर पाएं या फिर कहीं पे ले जाएं किसी और एक्सचेंज के ऊपर, किसी और वॉलेट के ऊपर, क्योंकि इस वक्त सभी ट्रेडर्स का, सभी होल्डर्स का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। उनके जो फंड्स वजीरेक्स के ऊपर थे क्रिप्टो में, वो सारे के सारे होल्ड हुए हैं, यानी कि उनको सीज कर लिया गया, तो उनको किसी भी तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा, ना ही हम यूज़ कर पा रहे हैं, ना ही वजीरेक्स यूज़ कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ सीज किए हुए हैं। लेकिन इसका दूसरा मतलब या फिर एक्चुअल मतलब ये भी है कि वो हैक हुए हैं, तो हैक की वजह से यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि इनके पास कितने फंड्स बचे हैं, या फिर कितने फंड्स इनके पास हैं, या फिर वो सारे के सारे हैकर के पास हैं। लेकिन वजीरेक्स का कहना अभी तक यही था कि इनका प्रूफ ऑफ रिजर्व्स है, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की वजह से हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी अभी काम नहीं कर रहा है, यानी कि अभी हैक हुआ है तो ये हमारे फंड्स वापस नहीं कर पा रहे हैं। जो कि बाइनेंस इस चीज़ के ऊपर हमेशा बहुत अच्छे तरीके से काम करता रहा है, बड़ी एक्सचेंजेस सारी करती हैं, लेकिन वजीरेक्स ने यहाँ पर सिर्फ दिखाया हुआ था, अब रियलिटी क्या है वो कोर्ट की तरफ से ही पता चलेगा। तो करंटली अगर कोई काम चल रहा है वो सिर्फ यही चल रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग का प्रपोजल ड्राफ्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और ये प्रपोजल जब लगाया जाएगा कोर्ट में तो ये फाइनल जैसे ही हो जाएगा तो वजीरेक्स उसके बाद ही चलेगा। एंड उसके बाद क्या रियलिटी में हमें मिलने वाला है, INR कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना इन्होंने होल्ड किया हुआ है, उसमें से कुछ देने वाले या नहीं, या फिर पूरी उम्र ये होल्ड करने वाले ये कहेगा कि हमारा पैसा ये यूज़ कर रहे थे हियरिंग के लिए, तो शायद हमें कोई भी इसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं है। लेकिन आपका क्या मानना है वजीरेक्स को लेकर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करो, मैं आपको जवाब दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।